समय मिले हे आओ भैया सुघर राज बनाबो रे। और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया जन जन मेर कहवा बोरे। और जुर मिलके आबे आबे तय आबे सिया रामला संग लाबे अंजनी के बीर हनुमान। डूमर सोहे घर माल सही और गुल मोहर मांग सजावत है और सरसों पहिरावत है प्यूरी और माहूर टेसु लगावत है और मऊहा फर के है सुखर खिनवा। सब देव जुर मिल भोला ला सजाइन और गढ़ दानी के हुआ थे बिहाव। अंग भभूत सोहे बैला के सवारी हाथ धरे डमरू और तीर सूल धारी। व्यथित हुआ जब जब मेरा मन जग के कुटिल विचारों से तब श्रद्धा से ओत प्रोत हो देखा मुझको कौन। हमर महतारी भाखा छत्तीसगढ़ी के आप मन के अपन चैनल जय जोहार के विशेष कार्यक्रम जोहार होना मा आप जम्मू संगवारी मल्ला चंपेश्वर गोस्वामी के जय जोहार। संगवारी हो आप मन हमर कार्यक्रम में लगातार देखता हो हमर कार्यक्रम में नवा नवा पहुना आते और आज जोहार पहुना में हमर विशेष पहुना है जिन छत्तीसगढ़ महतारी के दुलरवा बेटा है और बेंगलोर में अपन विशेष सेवा देवत है। दुनिया के कोनो भी कोना में रहे छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ी ला बहुत ज़्यादा माया करते। तो ऐसन डॉक्टर आदित्य शुक्ल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। वरिष्ठ वैज्ञानिक है, गीतकार है, कवि है, लेखक है, ऐसा बहु आयामी प्रतिभा के धनी है। तो आदित्य भैया जी आपके बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर आदित्य शुक्ल छत्तीसगढ़ के माटी में खेले कूदे हैं, साहित्य सृजन करे हमें, आज लगातार उनका बूता बाढ़ा थे, बहुत व्यस्त है हर क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में। तो हर व्यक्ति के व्यक्तित्व जब निखर के बाहर आते तो मैं कहीं ना कहीं बचपन के और कहीं कहीं का पूरा 100% बचपन के एक बात वहाँ रहे थे। तो मैं आपके बचपन के पृष्ठभूमि के बारे में पहले जानना चाहूँ, फिर आगे सर लगा और उनकी चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद चंपेश्वर भाई, जब आप मौका दे बोला बहुत अच्छे लगा थे। मतलब मैं 20 साल हो गए छत्तीसगढ़ ले शरीर छोड़े हुए, मैं बाहर शरीर से रहता हूँ, मन तो छत्तीसगढ़ में ही रहते और आपके माध्यम से पुनः ये छत्तीसगढ़ के जो साथी है जो छत्तीसगढ़ भाषा संस्कृति साहित्य से रुचि रखते ओकर मन से मिले के एक अच्छा माध्यम मिले। और मैं ये जो जो हर छत्तीसगढ़ देखत रहता हूँ, आप बहुत 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 प्रसिद्ध आपके काम है और मैं बहुत प्रभावित होता रहता हूँ। मेरी इच्छा भी रही से कहो ऐसे मौका मिला है कि मैं भी जाकर के अपन बात ला फिर से अपन साथी मन के बीच में करो, तो आप मेरा मौका दे। मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपसे बहुत सहमत भी हूँ। आपने कहा ना कि बचपना, तो मैं लगा साहित्य भाषा में कहा तो बोलते कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, ठीक है, एक ही की साधना करना है ना। और रहीमन जड़ ही सींचिए फूल ही फलाई अघाए। वाह वाह। तो आपको यदि पेड़ से फल चाहिए, फूल चाहिए, सब कुछ चाहिए तो सब जगह बोला सिंचाई करने की जरूरत नहीं है, जड़ में पानी डाल वो सब जगह पहुंच जाते। तो जो व्यक्ति के जन्म भूमि है ओकर बचपना जहां बीते है वो ओकर जड़ है और वहां जब तक पानी मिलत रहे थे वो विश्व कोनों में रहा है, वो प्रसन्न रहे थे, संपन्न रहे थे और अपन प्रतिभा के उपयोग करते रहे थे। तो मोर जड़ है तो छत्तीसगढ़ में है और एकर से तिर का मैं भारत दुनिया से निकल करके छत्तीसगढ़ से निकल करके अभी तो बेंगलोर में मोर निवास है, कबर कर्म भूमि है और मैं विश्व मंच में भी जाता हूँ। तो मोला ये अनुभव है और मोला बात के गर्व भी है कि मोर जड़ है तो छत्तीसगढ़ में है और वहाँ पर्याप्त पानी खाद पड़त है तेकर से तिर मैं फलत फूलत हूँ। तो ये कृतज्ञता छत्तीसगढ़ माटी के प्रति मोर मन में हमेशा रही थी। जन्म स्थान आपके कहाँ? ये अभी तो बेमित्रा जिला हो गया, जब मैं बचपन में रहा तो हद्रुक जिला पड़त रहे से नाथ घाट से 5 किलोमीटर दूर बिलासपुर रोड में टेमरी चिचोली करके गांव है, तो मुख्यतः मैं टेमरी का, लेकिन मेरा संपूर्ण बचपना है तो चिचोली गांव में ही बीते हैं। वहीं प्राथमिक शिक्षा मैं करे हूँ, चिचोली से 3 किलोमीटर टेमरी वहाँ जा करके माध्यमिक शिक्षा 11वीं 12वीं की, ओकर बाद भाटापारा में मोर 1 साल पढ़े मैं 12वीं, फिर साइंस कॉलेज रायपुर में मैं BSc MSc करे और यूनिवर्सिटी में मैंने केमिस्ट्री में PhD करे। मैं कुछ दिन तक यहाँ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी पढ़ाया हूँ, कुरुत कॉलेज में मैं केमिस्ट्री पढ़ाया हूँ, धमतरी कुरुत कॉलेज में, रेमंड सीमेंट में कुछ दिन मैं केमिस्ट रहे हूँ
विवेकानंद विद्यापीठों में केमिस्ट्री के लेक्चरर रहे हूँ। ओकर बाद जब मैं बेंगलोर गए आईटीसी में साइंटिस्ट बन के, ओकर पहले मैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में कुछ दिन तक केमिस्ट की भूमिका कर रहे हूँ। तो यही यात्रा है पूरा। कवि डॉक्टर आदित्य शुक्ला, कवि आदित्य शुक्ला, गीतकार आदित्य शुक्ला, एकर कहना चाहिए कि ये कब उभर के इस गांव में ऐसा का माहौल मिली, अपना रामायण के माहौल मिली, लीला के माहौल मिली, नाटक के माहौल मिली, कहीं से आप प्रेरित हुए? तो ये कवि गीतकार लेखक कैसे इस आपके भीतर? बहुत अच्छा प्रश्न है। अच्छा, ये प्रश्न के पीछे मतलब मैं जब भी ये प्रश्न के उत्तर देख बार सोचता हूँ ना तो मैं बड़ा आनंद आते हैं बोला, कारण क्या है कि मैं अपन मतलब प्लेस बैक में चल देता हूँ। तो मैं जैसे बताऊँ, छोटे से गांव मोर बचपना बीते है, और मोर दादाजी है तो रामायण प्रेमी रहे सर, राम कुमार जी शुक्ल, और मोर बड़े दादाजी भी है वो भी बहुत रामायण प्रेमी रहे, सीमन सब रामायण कहा है, टीका कहा है, भजन गाए, तो पारिवारिक संस्कार तो रहे से। और छत्तीसगढ़ के जो मिट्टी है ना, यदि थोड़ा सा भी चैतन्य व्यक्ति है ओकर अंदर साहित्यकार बने के संपूर्ण क्षमता है। मैं छत्तीसगढ़ के हर व्यक्ति लग, और छत्तीसगढ़ नहीं भारत के हर गांव के व्यक्ति के अंदर साहित्यकार बने की क्षमता है, बस वो थोड़ा से ओकर साधना कर ले। तो हमारे यहाँ जो गाय चरैया है, खेत में काम कर रही है, कर्म धंधे तो करे है ना, ये बड़ा विद्वान मन के विषय न है, वही मन चलत चलत गाते लोकगीत है, आज तक कौन लिखे कोई पता नहीं है, लेकिन अतका महत्व जतका बड़े बड़े शास्त्र के ज्ञान है, विज्ञान के ज्ञान है, वो सब कुछ हम लिख के चल दे, लेकिन आज तक कोनो ये भी नहीं कहा कि मैं लिखे हूँ, और पुरखा कमन गावता हुआ था। तो ये संस्कार तो गाँव से नहीं मिले से, और वो डीएनए भी रही से। तो हमारे गाँव में नवधा रामायण तो होवे करे, साथ में हर सोमवार के साप्ताहिक रामायण हो, और साप्ताहिक रामायण हो तो स्वाभाविक रूप से मैं रामायण में जाऊँ, गाय बजाय की इच्छा से हारमोनियम बजाय सीखें। और गाँव में कार है कि सब जन छत्तीसगढ़ी में गावे, छत्तीसगढ़ी लोकगीत है, आबे आबे तय आबे, सिया रामला संग लाबे, अंजनी के वीर हनुमान, तोरे दरस पर रचे रामायण, गुनगुना देते हो का भैया? हाँ, बहुत बढ़िया। तो अब यदि भी छत्तीसगढ़ की माटी की विशेषता है, अब गांव में रामायण हुआ थे, गांव में रामायण हुआ थे तो वो अब आदमी के परमार्थ के भावना थे, तो रामायण हुआ थे तो वो हनुमान जी की थे कि भाई मैं जो रामायण कर रहा था तो अपन पर नहीं कर था, मैं अपन कुछ मोर इच्छा नहीं है, मैं तोर दर्शन पावा पाया की इच्छा है मोर, देखा सत्य रामायण कर रहा था। बोले अच्छा, तो मोर दर्शन कैसे मिले? तो मैं सुना हूँ कि जहां जहां राम की कथा होते थे पहुंचे थे, तो तुम बुलाया कि न्यूनता व्यवता देने कोई तरीका तुम्हारे में रो नहीं है, तो यही तरीका मोर पुरखा मन बताया और यही तरीका मैं अजमावा था। और सबसे पहली जब रामायण शुरू होते तो सबसे पहले यही भजन गाते, मैं गा सुना हुआ था, आबे आबे तय आबे, सिया रामला संग लाबे, अंजनी के बीर हनुमान, तोरे दरस बर रच्यो रामायण, दर्शन दे भगवान, तोरे दरस भर रच्यो रामायण, दर्शन दे भगवान। तो हनुमान जी ला ये कहना कि मोर रामायण केरे के जो उद्देश्य है तो उन मोरा लोक ही धन संपदा सुख शांति पाए नो है, तोर दर्शन करे पर है, और तोर दर्शन करे की यही तरीका है। मैं सुने हूँ जी रामायण होते थे आ जाता, और हमारे गांव में एक बहुत बढ़िया परंपरा भी है, और वो छत्तीसगढ़ के सब गाँव हुए ही कि जब रामायण शुरू होते ना तो हमने एक ठन आसन बिछा कर लाल कलर कपड़ा के, और हमन ऐसे उमा अनुमान है, ऐसे हमारे मन में इच्छा मन में ये भावना रहा है कि जैसे ही मन रामायण शुरू करबो हनुमान जी आई तो कर आसन बना कर रख दे मेरे बैठी, ठीक है, और उकर बाद अब आना है तो पता भी बताने लगी, पता बताने लगी, तो पता भी बताए कतका सुंदर भाव रहा है कि बिच बस्ती महामाया देवी आबे, तो कैसे पहचान में है तो मोर गांव पता है कि बिच बस्ती महामाया देवी, संग में बजरंगी और तरिया पार मासियु भोला के लगे डेरा डंडी, बहुत बढ़िया। तो ये सब लक्षण है मोर गांव के, और लगभग लगभग छत्तीसगढ़ के हर गांव के यही लक्षण है। तो मानो ईश्वर से एकाकार हो के माध्यम रही सी है, और यही अध्यात्म है, और यही अध्यात्म कविता में भी है। तो जब मैं बचपन में रहे हो तो गाँव का भी मैं सब इसे भजन गाए, तो मैं बिंदु जी महाराज है मोर घर में कल्याण पत्रिका है उमा भजन रहा है, तुलसीदास जी के भजन रहा है, तो ओला मैं फिल्मी धुन में पैरोडी बना बना गाऊं, तो गाँव के आदमी मतलब बड़ा अच्छा लगे कबर उमन जो सुने रहे अब तक सुने हैं तो कर से नया चीज मिला है उमल्ला, तो प्रोत्साहन मिलत गए
मतलब सुने की इच्छा रहा है। जब मैं मोर टोली आवा है तो आदमी मन ज्यादा ध्यान से बैठ करके सुने, आसपास के गांव टोली में जाओ तो 1 रुपया 2 रुपया के इनाम मिले, तो वो जो प्रोत्साहन है, तो धीरे धीरे फिर अपन शब्द जोड़ना शुरू कर दे। तो कविता के जो संस्कार मिले हैं, शब्द से शब्द के साथ खेले के जो संस्कार मिले हैं, वो रामायण से मिले हैं। और चूंकि रामायण में गाय पर है तो गीत बन गए सब। तो यदि मोर जीवन में कुछ भी है तो वो सब वो गांव के नौधा रामायण और रामायण समिति के देन है। तो ये एक भी बात में कोई भी लाग लपेट नहीं है और कोई भी ऐसे बड़प्पन के कार लेकिन सब्जन की थे ऐसे कोई बात नहीं, ये संपूर्ण सब स्कूल जीवन में कॉलेज जीवन में आप सांस्कृतिक और साहित्यिक रूप ले बहुत कार्यक्रम करे हो और लिखना पढ़ना घलो जारी रही। अभी तो जो बोले हो कि रामचरित मानस के लिए रामायण ले आप मतलब जो संस्कार मिले लगातार चला था, श्रृंगार में घलो कुछ लिखत रहे हो आप? श्रृंगार में तो स्वाभाविक रूप से है कि ये साहित्य की यात्रा है और मन में जैसे जैसे भाव निकलते हैं तो मॉनिटर होते से जब मन में भाव उमड़ते हैं वह शब्दों में ढल जाता है। क्या बात। और मेरा कुछ योग नहीं होता वह स्वयं गीत बन जाता है। तो जब आप अध्यात्म के साधन हो तो आध्यात्मिक शब्द निकलते आध्यात्मिक गीत निकलते, जब आप जवान हो तो प्रकृति आपका आह्वान करते उम्र आपका आह्वान करते, तो श्रृंगारिक गीत भी रहा है। मैं बल्कि सब जन आदमी मन जो सुनते आज भी बड़े बड़े मंच में मतलब बड़ा आश्चर्य होते। मैं 12वीं कक्षा में पढ़े तेरे गीत सुना था श्रृंगार के, है ना। तो ये बचपन में 12वीं कक्षा में मैं जो गीत लिखे हैं वो गीत ऐसे है कि जीवन के झंझावातों से झंझावात मतलब उठा पटक भागा दौड़ी, जीवन के झंझावातों से जब जब मैं बेचैन हुआ और तब तब आती सर्द हवा का झोंका बनकर कौन हो तुम, व्यथित हुआ जब जब मेरा मन जग के कुटिल विचारों से तब श्रद्धा से ओत प्रोत हो देखा मुझको कौन हो तुम। और स्वाभिमान बचपना है लड़कपन, कभी न सोचा शेष बचा क्या 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 पीछे छोड़ चुका हूं, अब किसके किसके दिल जीते और कितने नाते तोड़ चुका हूं, कितनी खुशियां बांटी अब तक अपना सब कुछ अर्पण करके, अब कितने मन के मीत मिले और कितनों से मुख मोड़ चुका हूं, किंतु तुमसे विमुख होने को अनायास पग बढ़े कभी तो अधिकारों के बल पर बढ़कर रोका मुझको कौन हो तुम, जीवन के झंझावातों से। वाह वाह वाह। तो ये वो समझ गए, जग को दे कुछ मिलकर हम तुम जीवन साथी हाथ बढ़ा दो, मैं सूरज सा नित प्रकाश दूं तुम चंदा सी शीतलता दो। तो जैसे उम्र बढ़त गई है जिम्मेदारी है। और एक बहुत अच्छा बात मैं कहना चाहता हूँ विशेषकर जो आज कल के युवा है कि जो न्यू जैसे आप बनते ना वैसे ही भाव आते। तो मोर न्यू है तो ना रामचरितमानस से बने, तो रामचरितमानस का है पुरुषार्थ के परोपकार के भावना है। तो मैं जब जवान हो और मैं श्रृंगार के गीत भी लिखा तो वहां पर भी जग को कुछ दे मिलकर हम तुम जीवन साथी यहाँ पर, तो वहां पर भी समाज कल्याण की बात रहा है। तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। और छत्तीसगढ़ के माटी विशेष कर जो अभी आजकल नौजवान लेके मोर उम्र के जगह छोटे छोटे लेखक मन है ना, वो मन अपन लेखक मन के संस्कार के स्थिति माटी से जोड़ना बहुत जरूरी है, ये संस्कृति से जोड़ना बहुत जरूरी है, कारण ये यही आगे चल के काम आते हैं। भैया मैं अक्सर आपके प्रोग्राम में देखा रहता हूँ बेंगलोर में, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ छत्तीसगढ़ के तीज तिहार होते हैं, चाहे हमारे नवरात्र रहे चाहे कोनो भी तीज तिहार, आप मन के जीव एकदम मतलब तलमलावत रही थो आप मन, हाँ कि मैं ऐसे का छत्तीसगढ़ी में गा दूँ का चीज में अपन मोबाइल के कैमरा में रिकॉर्ड करना वो प्रसार करना, मतलब कोई भी माध्यम से मैं हम और छत्तीसगढ़िया और मोर छत्तीसगढ़ भाई बहन बन के सब बात पहुँचाऊँ करके, तो इससे बहुत कम मैं छत्तीसगढ़ी के घरों का सुने आप छत्तीसगढ़ी गाना घरों, हाँ मैं जान बूझ के आप मतलब छत्तीसगढ़ी के मोर कार्यक्रम ये वो जज्बला है, देश भर में घूमता हूँ हिंदी में अबड़ उठिया हुआ मैं कह हमारे मातारी भाका छत्तीसगढ़ी में एक जोरदार बढ़िया भेंट मुलाकात हो जाए कार्यक्रम हो जाए जी, जी, और आपके छत्तीसगढ़ी में जो रचना है मल्ला हम सुना करके। तो कहा है कि मन में जो भाव होते ना चंपेश्वर भाई वह रुके नहीं, वो फिर जब निकलना शुरू होते ना
तो वो वेगला कोई नहीं संभाल सके, भावना के वेगला कोई नहीं संभाल सके। तो मैं जब छत्तीसगढ़ से बाहर गया, तो बहुत बढ़िया गीत थी, तोर कोराले दाई दुरिया में फेंक आए, ठीक है, मैं छत्तीसगढ़ माता से जब मैं संवाद करता हूँ, तो दुनिया में बहुत सब कुछ पीड़ा है, बहुत ज्यादा पीड़ा है। मोर गुरुदेव अवधेशानंद जी महाराज तो कहते हैं कि आत्मविस्मृति से बढ़कर दुनिया में कोई पीड़ा नहीं, अपन भूल जाना। मुला लगते ओकर बाद जो दूसरा पीड़ा है, अपन मिट्टी से दूर रहना, जो प्रवासी वेदना है वो बहुत बड़ी वेदना है। काबर तय वहां तो हर्ष, लेकिन तो हर बार मन यहाँ लगे रहते, ठीक है, गाँव में अभी नौधर रामायण होत हुई, आज सोमवार है तो आज तो हम साप्ताहिक रामायण होत हुई, हमें छठी में हर घर छठी में हुआ है तो छठी में रामायण गायल पर जाए, ठीक है, तो सोहर गान वहाँ जा करके, तो अभी कोनो दोस्त यार घर को होते खबर आते कि भाई लिखा हो तो इसलिए लगा कर मैं देते तो वही छठी में गए रहते रामायण गाय रहते, श्रावण भर पूरा रामायण चला थे, हरेली चला थे, कर्मा चला थे, ददरिया चला थे, तो मन तो लगे रहते ना। तो पहले ऐसे नहीं से कहते हैं कि लेकिन अब का है कि ये फेसबुक आ गए है, व्हाट्सअप आ गए है, और यही बात भर नहीं चंपेश्वर भाई, मैं तो फेसबुक व्हाट्सअप में बीच बीच में गात रहता हूँ, ऐसे कोई भी पर्व नहीं है छत्तीसगढ़ के जेकर मैं गा करके वही दिन पोस्ट नहीं करो। स्वगीत है लाली गुलाली सींचत आयो गा तोरे घर के दुआरी, पूछत आयो गा तोरे घर के दुआरी। तो मैं कोनो सोचो नहीं, अकेला पर रूम में बैठता हूँ, हारमोनियम निकाल करके गाना शुरू कर देता हूँ, ठीक है, गौरी गौरा है, सब देव जुर मिल भोला ला सजाइन औघड़ दानी के हुआ थे बिहाव, अंग भभूत सोहे बैला के सवारी, हाथ धरे डमरू औ तीर सूल धारी, और श्रृंगी बजावत सबो गन सक लागे, जुर मिल चलते बरात हो राम, आखा सत गावत सबो चलते बरतिया, पहुंचते हिम जी के द्वार हो राम। और फिर वो गांव गाना गाते बिहार में कि शंकर बने हैं दुल्हन डौका राख चुपर के आए हो, और मोटर गाड़ी कुछ नहीं मिली बैलम चढ़ के आए हो। तो ये संस्कार है। तो जब वो पर्व आते तीज त्योहार में मैं दुनिया कोनो कोनो में रहा, मैं गाना शुरू कर देता हूँ, और बात ही अकेला भी नहीं है, जब मुला मंच मिलते मैं तो बेंगलोर जैसे शहर में कई बड़े बड़े अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के गीत गाए, विशेषकर जब फागुन आते तो मैं कहता भाई फागुन के गीत मैं तो छत्तीसगढ़ में गाऊं, क्या बात, और अच्छा बढ़िया गीत है फागुन के स्वागत पर, मोर गीत है छत्तीसगढ़ के, स्वागत है भैया। जब ले सुन पाएन सोर तुहर, मैं फागुन लगा था भाई तो आए के जब से मुला सोर सुनाए थे आए नहीं है जब, लेकिन यहाँ सब प्रकृति में परिवर्तन हो गया, तो स्वागत में सब तैयार खड़े हैं, और कैसे है, जब ले सुन पाएन सोर तुहर मन भौरा बिया कुल गावत है, और आज सोला श्रृंगार करे धरती मन ही मन मा मुस्कावत है, फागुन आवत है धरती बहुत खुश है, और श्रृंगार किसे करे, डूमर सोहे घर माल सही और गुल मोहर मांग सजावत है, और सरसों पहिरावत है प्यूरी और माहूर टेसु लगावत है, और मऊहा फर के है सुखर खिनवा, अब धरती श्रृंगार है यही से तो हुई ना, तो मऊहा फर के है सुघर खिनवा, और आमा मौर के फभय बाली, बमुरी फर के पहुंची ककनी, और करधनिया है गहूं बाली, और नथनी कस हालत है कस ही, और कदली हधर मंगल थारी, और संग आवे बड़ोरा उड़ावे अबीर, गुलाल लगावत है लाली, गुलाल लगावत है लाली, संग आवे बड़ोरा उड़ावे अबीर, गुलाल लगावत हे लाली, अब झांझ मजीरा बजे रूम झुम, औ नगाड़ा घलो धीड़ के संग संग, सब खेलत कूदत हासत हे संग, फाग चले यो मचे हुड़ दंग, कोयलिया मुरैया मकुकत हे, मिसरी कस बोले चिरे चिर गुन, और सब ठाढ़े अगोरा मा आज तुम्हर, अब हासत फागुन आ जाओ तुम, सब ठाढ़े अगोरा मा आज तुम्हर, अब हासत फागुन आ जाओ तुम।
फागुन से ऐसे संवाद कि झटका कर ये परिवर्तन हो है, ये भाग चलत है, ये नगाड़ा बजत है, ये झांग मंजीरा बजत है, ये सब तोर स्वागत में है, अब तय आ जाओ। तो ये जब भी मौका मिलते होली के विशेषकर जब भी कार्यक्रम होते मैं बिना संकोच के कहता हूं और चंपेश्वर भाई आप लोग भी गर्व हो ही छत्तीसगढ़िया हो के नाते सब जन खड़ा होकर ताली बजाते और जो आदमी मन जानते ना मन पहले से बात करते कि आदित्य भाई वही गीत ल पढ़ते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ के जश गीत है, जब भी मौका मिलती है। अभी विशेषकर बेंगलोर में जो बिहार समाज के लोग बहुत 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 जैसे छत्तीसगढ़िया मन भी बहुत हुए हैं, बिहारी भी है, उमन नवरात्रि मनाते तो वहाँ भी जश गीत गायक परंपरा है। लेकिन जब मैं अपन छत्तीसगढ़ी जश गीत गाता हूँ तो मैं बहुत खुश हो जाते। तो कैसे गाते भैया सुनाओ तो हमरो कार्यक्रम रिकॉर्ड हो जाए। तो छत्तीसगढ़ी जश गीत है। अम्बे तोर भुवना हो माया तोर भुवना, रंग बिरंगी फुल फुलवारी तोर भुवना, और कौन कुड़ावे ताल सगुरिया कौन लगावे बारी, और कौन लगावे बारी हो माया कौन लगावे बारी, और कौन लगावे लख अमरैया कौन करे रखवारी हो मैया, तोर भुवना हो माया तोर भुवना, रंग बिरंगी फुल फुलवारी तोर। जय हो जय हो जय हो। तो ऐसे तो ये छत्तीसगढ़ के जो बोली में बहुत मिठास है, जो लय है, यहाँ धुन है, विशेषकर जो लोकगीत के धुन है उसमें अतका कन बहाव है, वो कौन भी जड़ आदमी भी है जो ये मतलब कहूं कसम खा के भी बैठे बोला नहीं सुनना है तो बोला अपन आगोश में लपेट लेते हैं, फिर ओकर बस में कुछ नहीं रहा है सिर्फ वो झूमते ओकर बाद। और ये मोर व्यक्तिगत अनुभव है, चाहे वो कन्नड़ भाषी रहा है, चाहे वो हिंदी भाषी रहा है, चाहे वो राजस्थान के विशेषकर मारवाड़ी भाषा में बोली है, मैं वहां बल्कि कार्यक्रम में जाता हूँ, और मैं तो जो अंग्रेजी भाषा में भी बोलते मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में एज अ साइंटिस्ट भी जाता हूँ और कहीं पर मोला मौका मिल जाते तो अभी मतलब बांधे के जब जरूरत पड़ते तो मैं छत्तीसगढ़ के कर्मा ददरिया जस गीत के उपयोग करता हूँ, और मोर अनुभव है आदमी जहाँ है ना वहीं खड़े हो जाते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत आयामी में है सुरल बोले हूँ, और मोर जो दिखैया संगवारी है जय जोहार के मतलब सुरल में कहें बहुआयामी करके, तो बहुआयामी शब्द मैं इसने नहीं ले हूँ, बहुआयामी में आपके बहुत सारा काम है, आप कुशल मन संचालक हो, हर जगह आप उद्बोधन खातिर आवत जावत हैं, तो किताब के भी एक लंबा श्रृंखला है भैया, तो वो किताब के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सवारी मतलब बताते हो कौन कौन रकम के जो आप मन अभी किताब लिखे हो और उकर का हमला रिस्पांस आवा था जी। अब अभी जो नवा किताब हनुमान जी को बन रही है पर हम विशेष रूप से आकर्षण जा हो जी। तो मोर किताब है किताब लिखे पे जो सोच भी है ना चंपेश्वर भाई बोला जानना बड़ा अच्छा है, बड़ा रोचक रोचक कथा है। तो मैं जब 2003 तक रायपुर में ही रहा तो यहाँ आकाशवाणी के युवा मंच के कार्यक्रम में जाऊँ, यहाँ के कवि सम्मेलन में भी मोर स्थापित नाम रहे से रामेश्वर वैष्णव जी है, दानेश्वर शर्मा जी है, मुकुंद कौशल जी है, सुरेंद्र दुबे जी है, सुरजीत नवजीव जी है, इमन मोर बुलाया अपन कार्यक्रम में, चारामा के कवि सम्मेलन है, नगरी सी हवा द्रो, मैं अपन गांव में भी 1992 में 12वीं कक्षा पढ़ते रहा तो कवि सम्मेलन करवाते रहे, तो कविता के तो संस्कार रही मोर में। और जैसे मैं आप लोग कहूँ मोर तो अध्यात्म आध्यात्मिक पक्ष रिश्ता रामायण के सिद्ध, और चूंकि मैं तो बचपन से तुलसीदास जी ला पढ़ाऊँ, ब्रह्मानंद जी ला पढ़ाऊँ, रामचरित मानस पढ़ाऊँ, तो शब्द के भी मतलब सामर्थ्य मूर्ति नन रही से। तो जब मैं बेंगलोर गया तो बेंगलोर में जब मैं कवि गोष्ठी में शामिल होना शुरू करे ना तो हर के अंदर ईर्ष्या भी रहते और आश्चर्य भी होते, भाई राम जी है जब धनुष तोड़े पर जाते तो सबसे पहले आश्चर्य का मन में होते मालूम है, शंका, आश्चर्य भी नहीं शंका, वो सीता जी की माता बोले कि सारे बड़े बड़े राजा आए 10,000 राजा एक साथ मिल करके उठा नहीं पाए जिस धनुष को, अब महाराज जनक की ओर बोलते हैं महाराज को जा करके कोई समझाए, और कितनी बेइज्जती कराओगे और कितना तमाशा कराओगे, ये छोटे बच्चे को भेज रहे हो। तो फिर उनको समझाया जाता तेजवंत लघु गणेन रानी कहा कुंभज कहा सिंधु अपारा सोसे सकल संसारा रवि मंडल देखत लघु लागा उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। ये जो आदमी दिखते छोटे ना ओकर अंदर ना ओकर तपस्या ओकर साधना के बल में बड़े काम करे की क्षमता होते। तो राम जी के बारे में थोड़ा धैर्य रख वो अपन काम करे का पता तो समस्या के समाधान हो जाए। तो जब मैं वहां गया तो मतलब मोर पृष्ठभूमि नहीं मालूम रही से,
उमल्ला ये नहीं मालूम रही से कि मोर संस्कार का है, उमल्ला ये नहीं मालूम रही से कतका जन गुरु मिल करके मोर निर्माण करे है, बड़े बड़े ये जिकर मन के मैं नाम ले हूँ, इमन मोर मोर साधना प्रक्रिया मोर सहयोग करे। तो जब मैं वहां अचानक मंच पर कविता पढ़ना शुरू करें, गोष्ठी में कविता शुरू पढ़े, तो वहां दबी जुबानी बात करना शुरू हो गई कि बोले ये कविता आदित्य के नाम है। उमल्ला विश्वास नहीं हुआ ऐसी कविता लिखे जा सकते वही है उम्र में। तो उमर मन बकेचन कहा है कि आपकी कविता में हरिवंश राय बच्चन की झलक दिखते, कोनो कहा है आप जब छंद पढ़ो तो ओम प्रकाश आदित्य की झलक दिखते, कोनो कहा है कि आप जब वीररस की कविता पढ़ते हो या ओज की कविता पढ़ते हो दिनकर जी के रहस्य झलक दिखते। तो मेरा बड़ा आश्चर्य लगे कि भाई ये तो मतलब मैं बोला अपन मतलब प्रोत्साहन के रूप में भी ना, और फिर मन लगी कि ये सब ये दबी जुबानी बात है खत्म कैसे करे जाए। तो जहाँ भी मुझे मौका मिला, अच्छा जो आदमी तो मुंह में कहा नहीं तो आप लोग कहा थे तो आपके भैया वो ऐसे कहा रहे थे, तो फिर मैं क्यों नहीं कि बोला अपन काव्य संग्रह प्रकाशित करना चाहिए। अब काव्य संग्रह प्रकाशित करता हूँ किताब के रूप में, तो ये सारे जो चर्चा है तो विराम हो जाए, पूरा पूरा समस्या समाधान हो गई। तो मैं 2003 में बेंगलोर गया जून में, और 2002-3 महीने के अंदर ही मैं वहाँ के साहित्यिक गतिविधियों में बड़ा स्थापित हो गया, और 2006 में पहली किताब है यदि मिल जाए पंख उधार करके, वो गीत की किताब रही से। ओकर बाद मैं वहाँ के प्रसिद्ध मठ है आदि चंचनगुरी धाम, तो बाल गंगाधरनाथ स्वामी जी हैं, अब तो ब्रह्मलीन हो गए मठाधीश थे। तो ओकर इच्छा हुई इसके भैरव के उनको भैरव मानते हो मना, तो वहाँ कोई भजन लिखा है। तो जब ये किताब आई मोर पहली किताब आई, फिर वहाँ बहुत प्रसिद्ध मठ है आदि चंचनगुरी धाम, तो बहुत बहुत मान्यता है वो मठ के, वो मठ वो मंदिर के ही राज्य है कर्नाटक जो है, तो और भक्ति है तो वहाँ थोड़ा सा मतलब यौवन नवयौवना हुए भागवत कथा में आते हैं ना, द्रविड़ प्रदेश में जन्म ले भक्ति है, और उनका जो बचपना है जो ना वो कर्नाटक में बीते हैं, तो कर्नाटक के जो व्यक्ति है बड़ा भक्ति भाव रहते हो कर्मन में। तो वो मन स्वामी जी की इच्छा रही से कि मोर मठ पर कोई हिंदी भजन लिखेगा, और बहुत जन श्रद्धालु आते हैं और हम तो कन्नड़ में बात करते हैं, तो ये मठ के यश के बारे में लोगों को पता नहीं चला है। तो ओकर एक ठन और बात रही से वही आदमी से भजन लिखवाना जिकर अध्यात्म प्रबल है, जो जो जिकर भावना रहा है सब चीज में, तो ईश्वर की कृपा रही से वो चयन हो इस, और ओकर है सामर्थ्य अच्छा भजन भी लिखा गया। तो आदि चंचनगिरी के भैरव की अति प्रिय भूमि करके सीडी आई, तो कर्नाटक के बहुत बड़े बड़े साहित्यकार है, उभयगान विदुषी डॉक्टर श्यामला जी भावे कर संगीत दी, संगीता कट्टी और गणेश देसाई बहुत बड़े बड़े प्लेबैक सिंगर बहुत नामी मन मन ओकर स्वर दिन, तो वो बहुत प्रसिद्ध थी मोला बहुत नाम दिस वहाँ। फिर लिखा मन पर मैं लिखे हूँ बेटा असे मन पढ़ो तू, तो वो वर्णमाला पर बहुत आधारित वो हमोर कविता रही से, अनार की बात छोड़कर आओ असे अमन पढ़े हम, आम तो बहुत खा चुके आदर्शों की ओर बढ़े हम। क्या बात, तो एक उद्देश्य रही से कि वर्णमाला में जो हमन शब्द पढ़ाओ था वो महत्व भी जाने लिखा मन है ना, तो और साथ साथ वहाँ शब्द शक्ति भी बढ़ी लिखा मन के, और लिखा मतलब ही जो पढ़े के साथ साथ आनंद आई, तो एक पूरा एक लिखा मन की मतलब किताब रही से। फिर बीती बात भुलाता चल फिर मोर गीत संग्रह 2012 में, यही बीच में ये हनुमान जी के ये पिछले साल जो किताब है सफल व्यक्तित्व के हनुमान मंत्र, बहुत चर्चा है देश विदेश में, बहुत चर्चा है, और यह है मोला एक नया दिशा देश ये साहित्य ला जन कल्याणकारी। तो कविता है गीत है वो तो रोचक मतलब मन अच्छा लग भी करते, और वह अप्रत्यक्ष रूप से आदमी ला सहायता करते कि भाई जो अच्छा लग गए, लेकिन ये हनुमान जी है जो है ना, तो यह हर आदमी के लंका के अंदर प्रवेश कर दे सूक्ष्म रूप में, और आज देश विदेश में अभी अभी मैं आपके सामने बैठे हूँ, कल मैं यहाँ 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण अधिवेशन हुई भोपाल में, अभी आज आखिरी दिन होकर, तो मैं विशेष वक्ता के रूप में आमंत्रित रहा हूँ, और मतलब विषय तरी से हनुमान कौन, और उतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय रामायण अधिवेशन के एक सत्र की मैं अध्यक्षता भी करूँ ये गर्व मिली, तो ये सब हनुमान जी की कृपा है। और अभी वैसे मैं भरत जी पर और रामायण के बहुत सारे पात्र में लिखे की इच्छा है, श्रीमद भागवत महापुराण के पात्र में, और सबके उद्देश्य यही है कि कथा ला सुन के मन ही मन आनंद ले से थोड़ा आगे की यात्रा करें, बोला अनुकरण करें पर। अच्छा भैया ये शीर्षक है सफल व्यक्ति व्यक्तित्व के हनुमान मंत्र संगवारी मंत्र को दिखा के, ये शीर्षक ऐसे का लगी इसकी ये ला जो शीर्षक है किताब के यही होना चाहिए। ये जो जीवन है व्यक्ति के जीवन है चंपेश्वर भाई, ये हमें अथाह क्षमता है, अथाह क्षमता है मतलब हमारे अंदर क्षमता है वो नर से नारायण बनने की क्षमता है, और लोगों ने करके दिखाया। आदि शंकराचार्य जी है 32 वर्ष के उम्र में ही
वो जमाना पैदा ले रही है जिस जमाना ना मोटर ना गाड़ी ना रोड ना सड़क, लेकिन वो चार दिशा में भारतवर्ष के चार पीठ बनाकर रख दे और आज तक वो पीठ के मान्यता है, हिंदू धर्म के श्रेष्ठ माने जाते शंकराचार्य 32 वर्ष की उम्र में, तो ओला भगवान शंकराचार्य की थे, तो ईश्वर विवेकानंद जी, तो ऐसे बड़े बड़े महापुरुष है, उसकी कहीं क्षमता हमारे अंदर है लेकिन हम लोग अनुभव नहीं कर। तो आपको जीवन तो व्यक्ति के रूप में मिल जाते, लेकिन आपके काम का है वो ना व्यक्तित्व बनाओ, आप पर्सनालिटी बनाओ, आपके अंदर जो विशेषता है वो विशेषता के सारी दुनिया बोला देखा, और वो हनुमान जी है वो गुरु है। हनुमान जी भी आप देखो तो जो हनुमान जी से हमारा परिचय है ना, वो राम जी से मिले एक बात के, राम जी से मिले पहले हनुमान जी हमारे सामान्य आदमी रहे से अपन काम में लगे रहा है। जो हनुमान जी सबसे संकट मोचन के थे वो सुग्रीव संग पछपछी घूमत रहे से, वही सुग्रीव संग कलम नहीं हर लेते, वही दुए भाई के लड़ाई है ना। जो हनुमान जी है सीता जी खोजे पर जाते, राम जी काम पर जाके लंका जला का जाते, एक टन पत्थर फेंक के नहीं मारे सुग्रीव से त्रिपाली डार, दोनों भाई डार जाकर के वो धमका देते बालीला चमका देते, भाई तुम दोनों भाई आपस में दोस्ती जारी कर लो, तो नहीं। तो वो हनुमान जी सामान्य व्यक्ति रहे से, लेकिन जैसे होकर जीवन में राम से भेंट होते हनुमान जी के जीवन में व्यक्ति से व्यक्तित्व बने की प्रक्रिया शुरू होते, और जो हनुमान जी से हमारा परिचय है, जल हमन संकट मोचन के थन, सदा सफल हनुमान के थन, ज्ञानी हनुमान के थन, भक्त हनुमान के थन, विद्यावान के थन, वो सब राम जी से मिले बात के हनुमान जी। तो ये जो किताब है, तो मैं विशेषकर युवा मन के बीच में मैं जाता हूँ, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस मन बुलाते मुलाई मैं लेक्चर दे पर बहुत संस्था मन के कार्यक्रमों में जाता हूँ, और मोर उद्देश्य यही है कि आपके अंदर भी सामर्थ्य है, बस अटके है कि राम जी से भेंट कर लो, राम जी से भेंट कर लो तो फिर आप भी संकट मोचन बन जाओ। फिर सब जन पूछते राम जी से भेंट कैसे हुई, तो राम जी से भेंट मतलब राम को संकेत रूप में समझना है, जहाँ त्याग है वहाँ राम है, जहाँ मर्यादा है वहाँ राम है, जहाँ वचन परायणता है वहाँ राम है, जहाँ बड़ों के प्रति सम्मान है वहाँ राम है, जहाँ छोटों के प्रति प्रेम है वहाँ राम है, जहाँ सत्य के लिए आग्रहता है वहाँ राम है, जहाँ से अन्याय से लड़ने के लिए मन में इच्छा है और सामर्थ्य है वहाँ राम है। ये गुण आपने अंदर ले आइए, फिर देखिए आप हनुमान बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो किताब है बड़ा उपयोगी है, बड़ा उपयोगी है। और चंपेश्वर भाई मैं तो आज रायपुर में भी आया हूँ, तो ये विप्र भवन में मोर आज शाम के कार्यक्रम है, और यही उद्देश्य के क्षेत्र भी आया हूँ कि यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के युवा मन है ओकर बीच हनुमान जी के संदेश ना लेके जाऊँ। वैज्ञानिक रूप में बुलाए रही से, गीतकार कवि साहित्यकार के रूप में बुलाए रही से, वो संस्मरण थोड़ा जानना चाहूंगी। तो वो बहुत अच्छा संस्मरण है, और वो संस्मरण का है इसरो नहीं कोई दूसरा संस्था है, बेंगलुरु में एक संस्था कार्यक्रम करवा रही से, और वो है कि देश के दिशा और दशा ये विषय में एक ठंड संगोष्ठी रही से, तो उमा हर क्षेत्र के जो श्रेष्ठ व्यक्ति है जो उनका समझ माए उमल बुलाए रहे हैं एक साथ मंच में बिठा रही से, तो जो श्रेष्ठ डॉक्टर है तो उन बैठे रही से, जो श्रेष्ठ वैज्ञानिक है तो उन बैठे रही है, जो श्रेष्ठ व्यवसायी है वो बैठे रही है, जो श्रेष्ठ समाज सेवी है वो, और जैन श्रेष्ठ साहित्यकार है, ऐसे करके मन 5 या 7 हम याद नहीं आते, 5 या 7 फील्ड चुने रहे हैं। तो अब निश्चित है कि वैज्ञानिक चुनना है तो इसरो से बढ़कर कोई वैज्ञानिक संस्था है नहीं है भारत में, तो इसरो के प्रमुख लग बुलाए रहे हैं। अच्छा, तो हाँ, तो वो वैज्ञानिक के प्रतिनिधित्व तो करते रहे से, और डॉक्टर भी रही सब जन बड़े बड़े, और सौभाग्य से मोला उमन साहित्यकार के प्रतिनिधि के रूप में चयन कर रहे से, कि आदित्य शुक्ला साहित्यकार बुलापोजा साहित्यकार, तो सब जन अपन अपन व्याख्यान दिन, और जब मोर मौका लगी तो मोर मौका लगी तो मोला साहित्य के पक्ष रखना रही से, भले मैं वैज्ञानिक भी हूँ, मोर रोजी रोटी विज्ञान से ही चलते, मैं लीड साइंटिस्ट हूँ ITC में, लेकिन मोर भूमिका वहाँ साहित्यकार के रही से, तो मैं बताया कि साहित्यकार है साहित्य है का आदमी लाभ दिलाते, तो मैं ईश्वर वैज्ञानिक भी रही सब जन सभा भवन में आदमी बैठ रही से, तो मैं व्याख्यान इसने शुरू करे अपन कि कोई भी आदमी जब विज्ञान पढ़ते तो सबसे पहली इच्छा होते कि वह इसरो के अंदर छोटे का नौकरी मिल जाए वैज्ञानिक के, इसरो के अंदर एक नौकरी मिल जाए बस, वैज्ञानिक बन जाए, वो जीवन में कभी कल्पना नहीं कर सका कि वो इसरो के प्रमुख बन जाए, वो तो मतलब ख्वाबे में नहीं रहा, इसरो के प्रमुख बनना मतलब भगवान के चयन है समझ लो आप। तो मैं वहां कह कि वैज्ञानिक जब मैं विज्ञान पढ़ाते रहा तो मेरी भी इच्छा रहा है कि मैं इसरो के वैज्ञानिक बन जाते,
तो लेकिन आज मोला साहित्य के महत्व समझ में आवत है कि मैं शायद इसरो के वैज्ञानिक तो बन जाते हो, प्रयास करते होता लेकिन इसरो प्रमुख नहीं बनते हो, लेकिन ये साहित्य है मोर अंदर अतका कन सामर्थ्य ले आई कि जहां इसरो के प्रमुख बैठे है ओकर बगल में अपन साहित्य के बल में बैठे हो मैं। तो जो साहित्य है वो आदमी ला वो दिला देते जो नोकर कल्पना नहीं कर पाए। तो सब जन बहुत प्रशंसा करी वो बात के, विशेषकर इसरो के जिन प्रमुख जी से वो भी बहुत प्रशंसा करी के। फिर मैं कहूँ ये इससे एकल ज्यादा मैं खुद उदाहरण हूँ कि एक वैज्ञानिक होकर के जो उन जगह में प्राप्त नहीं कर पाए एक साहित्यकार होकर के वही जगह मिल गए। तो जो संस्मरण जी 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 वाकई सीखे के बात है हमारे जो संगवारी में मतलब कोई विशेष कोई रचना सुनाना चाहते। तो धन्यवाद चंपेश्वर भाई याद दिलाए पर, और एक छत्तीसगढ़ के बहुत बढ़िया गीत है मोर और ये लोग मैं 2000 में लिखे रहे हैं सन 2000 में जब 2000 पैसा मार की सन 2000 2000 पैसा तो साहित्य से मोर मिलते बहुत मिलते लेकिन वो सब जन कल्याण में आ जाते तो मैं बोला सुरता भी नहीं रहा। आप कई काम पहले 2000 के हो ना तो हमारे मन के ध्यान वही को थी। मैं समझ 2000 में लिखे कि सन 2000 में सन 2000 में सन 2000 में लिखे और ये जो गीत है तो वही समय छत्तीसगढ़ राज बने थे से। तो मैं छत्तीसगढ़ राज के गौरव गान कर पर मैं नगरी से हूँ कवि सम्मेलन रही से तो कवि सम्मेलन वही पढ़े रहे बड़ा प्रशंसा हो रही गीत के और ये गीत प्रासंगिक है सर्वकाल प्रासंगिक है छत्तीसगढ़ के जो व्यक्ति मन है होकर अंदर गौरव के जो भाव है वो है। और मैं बाहर भी मोल मौको मिलते ना तो मैं गीत लग पढ़ता हूँ। स्वागत है समय मिले है आओ भैया सुख घर राज बना गोरे और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया जन जन मेर कहवा बोरे। अभी तक हम ही कहते छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया तो हमन काबर कहन दूसर का है ना तो दूसर किसे कहे जब हम अच्छा काम करब तो हमर का है कि मैं हमेशा काम करता हूँ जो जिम्मेदारी अपन ऊपर ले हम करेंगे नहीं मैं करूंगा मैं का करी हम दिल लगे। तो और ये जो गीत है मैं तो 2000 में लिखे जो समय राज्य बनत रहे से और हर युग के हर पीढ़ी के सामने ना एक ये जिम्मेदारी रहते कर्तव्य रहते अपन राज्य का पहले से अच्छा बनाना और अच्छा बनाना और से और अच्छा बनाना। तो कर से तो ये गीत बहुत प्रासंगिक है हर पीढ़ी पर। समय मिले हे आओ भैया सुख घर राज बना बोरे और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया जन जन मेर कहवा बोरे और जुर मिलके सब दुल्हिन कस ये धरती ला समरा बोरे और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया जन जन मेर कहवा बोरे छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया जन जन मेर कहवा बोरे। तो जब मैं बोला बहुत पीड़ा हुआ जब वो समय कहा है कि छत्तीसगढ़ थोड़ा सा गरीब राज्य है ना तो मैं कहूँ छत्तीसगढ़ गरीब राज्य नहीं है हमारे उपयोग नहीं करें तो कर बातें छत्तीसगढ़ बड़ा संपन्न राज्य है ओकर संपन्नता के बखान देखो है ना। पहली खनिज संपदा लोहा तांबा अभ्रक के इहे भरे भंडार है का चीज नहीं है लोहा तांबा अभ्रक के इहे भरे भंडार है और सिरमिट चूना बॉक्साइट ला जानत सब संसार है कोयला ले बिजली बना के जग भरला अंजोर करें और देव भोग के हीरा खातिर टपकत सबके लार है देव भोग के हीरा खातिर टपकत सबके लार है। तो हमला का के कमी परे जे आन दुआरी जा बोरे और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया जन जन मेर कहवा बोरे और हमला का के हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है सब ही है चाहिए का पुरुषार्थ लेके आ ये धरती के अंदर है सोना उपजा के सामर्थ्य है हम लाका के कमी परे जे आन दुआरी जा बोरे और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया जन जन मेर कहवा बोरे। तो ये तो खनिज संपदा हो गए धरती माई भी उत्कन कृपा है ये छत्तीसगढ़ के ऊपर जो खनिज संपदा के साथ साथ जो ये प्राकृतिक संपदा है वन संपदा है ये बहुत कम राज्य मतलब मिले है तो ओकर वर्णन सीसम साज सरई बीजा परसा कर ही यो बंबूरी हां ये सब इमारती लकड़ी के प्रजाति है सीसम साज सरई बीजा परसा कर ही यो बंबूरी हां और तीवरा सरसों तीली बटुरा चना गहूं मसूरी हां और देव भोग विष्णु भोग दिबुराज सरना ले धान कटोरा छलकत है
और धरती माई के कृपाले भंडार भरे भरपूर यहाँ, और धरती माई के कृपाले भंडार भरे भरपूर यहाँ, चार चिरौंजी तेंदु औरा कैद करौंदा खाबो रे, और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया जन जन मेर कहवा बोरे, समय मिले हे आओ भैया सुघर राज बना बोरे, और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया जन जन मेर कहवा बोरे। भाई वाह बहुत जोरदार रचना हमर जय जोहार के संगवारी मन, सुना था वे देखा था वे बड़ा आनंद लेवा था वे, हर विषय में आप मन संग चर्चा करें भैया हमर जय जोहार के हमर संगवारी मन का। जय जोहार के संगवारी मल्ला, तो सबसे पहले जय जोहार, और जन अपन महतारी के माया है, अपन परिवार के माया है, अपन जन्मभूमि के माया है, तो उन्होंने घर से बाहर जाबे तब पता चलते हैं कि कतका कन माया रुकी है। तो हमन तो मतलब मैं तो अपन अपना कहता हूँ कि भाई हमन तो कतका कन किस्मत वाले नहीं रहें कि ये धरती में रह के यहाँ सेवा कर सकन, लेकिन जी हाँ भी हन जब तक सामर्थ्य होते दाई की यश गात रहे थे, तो आप मन बहुत सौभाग्यशाली है, खनिज है यहाँ, वन संपदा है यहाँ, जमीन है यहाँ, देवता जैसे इंसान है, लड़ाई झगड़ा नहीं है, सबसे प्रेम है, सबसे व्यवहार और एक दूसरे के प्रति सहयोग करे भी भावना है यहाँ, तो यहाँ सब कुछ है, सब कुछ है, आदमी ला अपन जीवन में सफलता प्राप्त करे बर है कोई भी दिशा में, तो ये छत्तीसगढ़ के जमीन है तो न पर्याप्त है बोला सब कुछ दे बर, तो ये छत्तीसगढ़ के महिमा ला समझे बर मोर असन पीड़ा मत भोगो तुम, तो मोला 2000 किलोमीटर दूर जा करके बोले ये अनुभव हो इसके मोर महतारी के कतका कन मतलब गुण है महिमा है, तो आप इहे रही करके उकर महिमा के अनुभव करो और ज्यादा सुख के आपला अनुभव हो, नहीं तो दूर यहाँ जाओ तो सुख के तो अनुभव हो लेकिन पीड़ा भी रही, तो जिससे मोर मन में पीड़ा रही थी ना जब भी त्यौहार होते छत्तीसगढ़ के तीज है त्यौहार है, और जब जब कर्नाटक में हो कर्नाटक के आदमी मन अपन त्यौहार ला मनाते ना, तो उस समय वो बहुत रुना थे कि मैं अपन घर में रहता हूँ, मैं वो ज़्यादा अच्छे से अपन त्यौहार ला मना रहते हैं, तो जीवन में जब सुख है ना तभी सब कुछ सीख ले तो ज़्यादा अच्छा है, और दुख से सीख भी ना तो ज़्यादा पीड़ा होते है। तो मैं अपन महतारी की महिमा ला विरह वेदना के साथ सीखे हूँ, तो विरह वेदना की अपन कल्पना मत करो, ओकर अगोरा मत करो, धरती के सेवा करो, ओकर कृपा से अपन परिवार अपन घर और अपन अपन जीवन ला बड़ा सफल बनाओ, सुरक्षित बनाओ और संपन्न बनाओ, तो बस यही मोर शुभकामना है आप सब ला। तो भैया आप मन अत्यंत बढ़िया किताब लिखे हनुमान जी के कृपा से, सफल व्यक्तित्व के हनुमान मंत्र सवारियों, आप मन ज्यादा से ज्यादा ये किताब ला ऑनलाइन घरों बिसा के किताब ला अपन पढ़ सकत हो, अब ये किताब ला मैं देखे हूँ अभी, तो भैया मोर देह अभी एक आते दो पेज देखे अभी मैं पूरा पढ़ू, तो आप मतलब बहुत बहुत शुभकामना है कि आप मतलब ऐसा विषय में किताब लिखे के प्रेरणा हनुमान जी दीन, और आप मन हमारे कार्यक्रम में आए अतिक सुघर विस्तार ले गाना गावत अपन संस्मरण अपन सुरता ला सुरता करत हमारे मन से सब बात बांटे देकर बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद भाई, धन्यवाद, और जय जोहार के सभी साथी मन ला धन्यवाद, और मोर बड़ा मोर बहुत अच्छा लगी कि मैं आप मन से अपन मन की बात कर पाया, और चंपेश्वर भाई मैं अगोरम रही हूँ, फिर जब तो न्योता मिले मैं सब काम धाम छोड़ कर के आ जाओ। बिल्कुल भैया, और आप मन जब जब आओ आपके मार्गदर्शन हमला चाहिए, तो संगवारी आज जोहार पहुना माँ हमारे विशेष पहुना रही डॉक्टर आदित्य शुक्ल वरिष्ठ वैज्ञानिक और मैसूरम के छत्तीसगढ़ के दुलरवा बेटा और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी एक बड़ साहित्यकार हमारे बीच में, फिर हमन नवा हमारे एपिसोड में मिलबोन, नवा कार्यक्रम में मिलबोन, नवा मेहमान संग, तब तक देव विदा, आप जम्मू संगवारी मल्ला चंपेश्वर गोस्वामी के जय जोहार।